जी नैन साहब बताएं सर। यस बिल्कुल अनिल जी, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, और ये नाम थोड़ा अलग लगता है बट इसका पुराना नाम जो था वो SQS BFSI, और नाम में देखिए BFSI है, तो ये कंपनी BFSI सेक्टर के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस और उनकी टेस्टिंग का काम करती है। और पहले ये प्योरली क्वालिटी एश्योरेंस प्लेयर था सॉफ्टवेयर्स का, बट अब इन्होंने ट्रांजिशन किया है और अब ये बहुत सारे दूसरे सर्विसेज भी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में पूरे आ गए हैं, फिर AI इंजीनियरिंग, डिजिटलाइजेशन, हाइपर ऑटोमेशन, ये सारे कामों पर भी अब कंपनी ने बहुत बड़ी एक्सपर्टीज हासिल की है। 40 साल पुरानी कंपनी है, 15,000 एम्प्लॉइज की कंपनी है और 30 कंट्रीज में कंपनी काम करती है। सो इस तरीके का तो बैकग्राउंड है, और SQS जर्मनी की कंपनी वो इसमें 56% शेयर होल्डिंग रखती है। और अब मैं आता हूँ फंडामेंटल्स पे, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है। 31-32 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 17-18% से ग्रो की है, और उससे भी बढ़िया जो है इनके OPMs वो बहुत बढ़िया, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर OPMs रहे हैं इस मार्च 2022 वाले क्वार्टर में 22% के लगभग, जहां दूसरी IT कंपनीज में OPMs की मारामारी है और यहां पे बड़ा है, तो इसलिए मुझे और बढ़िया लगता है। दूसरा, टॉप लाइन गजब की बढ़िया, 79 करोड़ का टॉप लाइन था मार्च 2021 वाले क्वार्टर में, उसके सामने 114 करोड़ का टॉप लाइन, 11 करोड़ का पैट के सामने 19 करोड़ का पैट, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स फैंटास्टिक, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिए 19 करोड़ का पैट कंपनी ने, तो इससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और मैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहा था, तो वहां पे भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, FIIs, DIIs भी इन्वेस्टेड है, और रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, तो इस तरीके का फंडामेंटल्स वाली एक अच्छी क्वालिटी IT कंपनी है। और आज मार्केट की गिरावट के साथ ऑलरेडी काफी नेगेटिव था और अपने 200 डेमास के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, और अपसाइड ये 1874 का पहले बनाया हुआ है, तो आराम से 1590-1630 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे, एंड थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा 6 से 9 महीने। 6 से 9 महीने के लिए थोड़ा होल्ड करिए एक्सप्लेन सॉल्यूशन, बट खरीदारी करिए, ये काउंटर पसंद है जैन साहब को और अच्छे दाम में भी आप